आज हम लोग फिजिकल क्वांटिटी एंड मेजरमेंट का सेकेंड वीडियो करने वाले हैं और इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे कि लेंथ कैसे मेजर करेंगे। लेंथ स्ट्रेट ऑब्जेक्ट का, कर्व्ड ऑब्जेक्ट का, कॉइन का, वायर का कैसे मेजर करना है, इस बात को हम लोग क्या करेंगे इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो चलो पहले डेफिनेशन से स्टार्ट करते हैं। आप लेंथ किसको बोलते हो? डेफिनेशन, तो लेंथ किसको बोलते हैं? तो किसी भी ऑब्जेक्ट के दो एक्सट्रीम के बीच में, सपोज करो मेरे पास ये ऑब्जेक्ट है, यहाँ ये क्या हो गया, पहला ये एक एक्सट्रीम और ये, तो दो एंड के बीच का जो लेंथ होता है किसी भी ऑब्जेक्ट का, उस लेंथ को आप क्या बताओगे, मीन्स उस डिस्टेंस को आप क्या बताओगे, लेंथ ऑफ द ऑब्जेक्ट। अगर सपोज करो यहाँ ये कर्व्ड ऑब्जेक्ट होता है ऐसे, तो ये मेरा एक क्या होगा एंड, और दूसरा एंड क्या हो गया ये, तो यहां से लेकर यहां इस दोनों एंड के बीच का जो मेरे पास डिस्टेंस होगा, उस डिस्टेंस को आप क्या बताओगे, लेंथ बताओगे। तो डेफिनेशन लिख लेते हैं, लेंथ ऑफ एन ऑब्जेक्ट, लेंथ ऑफ एन ऑब्जेक्ट, एन ऑब्जेक्ट इज डिफाइंड एज द डिस्टेंस बिटवीन, एज द डिस्टेंस बिटवीन बिटवीन इट्स टू एक्सट्रीम। तो दो एक्सट्रीम के बीच का जो मेरा डिस्टेंस होगा, उस डिस्टेंस को आप क्या बताओगे, लेंथ बताओगे। अब देखो जैसे लेंथ आप अगर समझ लिए तो आप फिर यूनिट की बात करनी होगी। तो लेंथ को मेजर करने के लिए क्या होता है, हमेशा ये दो यूनिट आप यूज करोगे, सीजीएस सिस्टम और एसआई सिस्टम में। तो सीजीएस सिस्टम में जो लेंथ का यूनिट होगा क्या हो जाएगा, सेंटीमीटर, और एसआई सिस्टम में क्या हो जाएगा, मीटर। तो अब डेफिनेशन और यूनिट तो समझ में आ गया, अब हम बात करते हैं क्या लेंथ अगर हमको मेजर करना हो तो मेजर करने के लिए हम यूज क्या करेंगे, इंस्ट्रूमेंट क्या यूज होगा। तो इंस्ट्रूमेंट ढेर सारा इंस्ट्रूमेंट का यूज करते हैं आप, क्या होता है रूलर का यूज करते हैं, मीन्स क्या होता है मीटर रूलर का यूज करते हैं, अच्छा मीटर टेप का यूज करते हैं, क्या हो जाएगा टेप का यूज करते हैं, वर्नियर कैलिपर का यूज करते हैं, कैलिपर्स का यूज करते हैं, स्क्रू गॉज का यूज करते हैं, स्क्रू गॉज का यूज करते हैं। तो ये सारे आपके पास क्या होता है, डिफरेंट इंस्ट्रूमेंट्स हैं जिनका आप यूज करते हो क्या फाइंड करने के लिए, लेंथ फाइंड करने के लिए। अच्छा अब देखो जरा सा, अलग अलग ऑब्जेक्ट का लेंथ फाइंड करने का तरीका क्या होगा, अलग अलग होगा। तो जो हम पहला जो तरीका सीखने वाले हैं, दैट इज मीटर रूल का आप यूज कैसे करोगे। तो देखो जरा सा, सबसे पहले मीटर रूल का या मीटर टेप का आप जब यूज करोगे, ये कैसे ऑब्जेक्ट के लिए, तो ये केवल उन ऑब्जेक्ट के लिए आप यूज करोगे जो कैसे होंगे, स्ट्रेट ऑब्जेक्ट होंगे, जो सीधा होगा उनका आप मीटर रूल या मीटर टेप से क्या कर सकते हो, इजीली लेंथ फाइंड कर सकते हो। करना क्या है, स्टेप क्या क्या है, पहले ये समझ लो। सबसे पहले आपने क्या किया, ऑब्जेक्ट ले लिया, जो भी ऑब्जेक्ट आपको लेना था आप ऑब्जेक्ट ले लिए। अब ऑब्जेक्ट लेने के बाद पहला स्टेप, जो ऑब्जेक्ट लेना था आपने क्या क्या ले लिया, जो पहला स्टेप आप क्या करोगे, जो स्केल है आपके पास या मीटर रॉड जो आपके पास है, उसको आप क्या करोगे, अक्रॉस द लेंथ पैरेलल क्या करोगे, प्लेस करोगे। ये आपके पास क्या होता है, मीटर रॉड समझ करो, रूलर समझ करो, रूलर समझ लो। और यहाँ पे आपके पास मार्किंग बना हुआ है, 1 2 जो भी इस तरह का मार्किंग आपके पास रहता है तो देखे ही हो। अब देखो जरा सबसे पहला काम क्या हुआ, आपने प्लेस कर लिया, तो सबसे क्या किया, प्लेस मीटर रूल पैरेलल, प्लेस पैरेलल टू द क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट, हमने मीटर रूल को प्लेस कर दिया। जो दूसरा चीज जो हमको केयरफुली ऑब्जर्व करना है कि वन एंड ऑफ द क्या हो जाएगा, मीटर रूल या जो भी मीटर टेप आपने देख रहा है वो क्या होना चाहिए, ऑब्जेक्ट के एंड से क्या होनी चाहिए, कॉइंसाइड करनी चाहिए, बस उसके एंड पे प्लेस करना होगा आपको। या अगर सपोज करो आपका मीटर रूल कंप्लीटली ट्रू नहीं है, ट्रू का मतलब क्या होता है, कभी कभी जीरो मार्किंग घिस जाता है, या शुरुआत के मार्किंग क्या होता है, प्रॉपरली आपके पास है नहीं, तो फिर क्या करोगे, इस कंडीशन में आप जीरो से स्टार्ट ना करके आप जो मार्किंग 1 2 या 3 किसी भी एक मार्किंग को क्या करोगे, आप यहां प्लेस करोगे। सपोज करो हमने दूसरा बेस कर यहां पर ले लिया, ये क्या होता है, यहां पर मेरा जीरो क्या सपोज करो परफेक्टली नहीं था, या क्या होता है जीरो घिस गया था, कुछ भी हुआ था, तो इन दैट कंडीशन क्या करेंगे हम, या 1 या 2 या 3 कुछ भी किसी भी एक मार्किंग को हम क्या करेंगे, यहां पर प्लेस करेंगे।
और फिर क्या करेंगे, यहां से क्या करेंगे, दूसरे एंड के रीडिंग को भी हम क्या करेंगे, यहां तक नोटिस करेंगे। अब देखो ये तो समझ में आ गया कि हमको क्या करना है, एक एंड पे प्लेस करना है, मार्किंग नोट कर लेना है, और दूसरे एंड पे भी मेरे पास जो मार्किंग होगा उसको भी हमको नोट कर लेना है, और इन दोनों के बीच का डिस्टेंस ही क्या हो जाएगा, मेरे पास लेंथ हो जाएगा। लेकिन अब यहां भी थोड़ा सा केयरफुल रहना है, कभी कभी ऐसा करने पर अगर आप यहां केयरफुल नहीं रहते हो तो पैरालेक्स एरर आ जाता है। कौन सा? पैरालेक्स एरर आ जाता है। अब बोलोगे पैरालेक्स एरर क्या होता है? अब सपोज करो ये जो आपके पास मेजरमेंट है, ये दोनों के दोनों मेजरमेंट लेते समय थोड़ा सा केयरफुल रहना होगा। केयरफुल कैसे रहना चाहिए? आपका आई जो है कंप्लीटली क्या होना चाहिए, वर्टिकली होने चाहिए। यहां पे इस पोजीशन पे आई अगर वर्टिकल नहीं है तो मेजरमेंट या तो एक्यूरेट से थोड़ा सा कम या थोड़ा सा ज्यादा आ सकता है, और एक्यूरेट से अगर आपका वैल्यू थोड़ा सा कम या थोड़ा सा ज्यादा है ड्यू टू द रॉन्ग पोजिशनिंग ऑफ द आई, तो इस आप एरर को क्या बोलते हो, पैरालेक्स एरर बोलते हैं। तो फिर करेंगे कैसे, सपोज करो आपने यहां पे स्केल पुट कर दिया और हम अगर यहां खड़े हैं, सपोज करो मेरा आई कहां पे है, यहां पे है, और यहां से हम रीडिंग करना स्टार्ट किए तो क्या हो जाएगा, रीडिंग करेक्ट नहीं आएगा। या सपोज करो आप क्या होता है, रीडिंग हमको यहां लेना था और आप देख कहां से रहे हो, यहां से रहे हो, फिर भी क्या हो जाए, रीडिंग करेक्ट नहीं आएगा। तो करना क्या होगा आपको, एग्जैक्टली सीधा पहले यहां इस पोजीशन पे आना होगा, वर्टिकल पोजीशन से एकदम सीधा यहां पे देखना होगा, फिर जाके आपका क्या हो जाएगा, पोजीशन करेक्ट आएगा, रीडिंग करेक्ट आएगा। यहां भी सेम कंडीशन, आप इधर से नहीं देख सकते, आप इधर से भी नहीं देख सकते, आपको एग्जैक्टली सीधा देखना होगा, फिर जाके रीडिंग करेक्ट आएगा, और तभी आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट वैल्यू निकल के आएगा। और अगर आप इस पोजीशन पे आई को नहीं रखते हो, किसी दूसरे पोजीशन पे, सपोज करो इस पोजीशन पे रखा या इस पोजीशन पे रखा, तो इन दोनों ही पोजीशन में आपका जो वैल्यू होगा वो एग्जैक्ट वैल्यू से या तो थोड़ा सा कम या थोड़ा सा ज्यादा आएगा। अब चलो देखते हैं लेंथ ऑफ कर्व्ड ऑब्जेक्ट हम लोग फाइंड करते हैं, कर्व्ड लाइन का फाइंड करते हैं। सपोज करो आपके पास एक लाइन दिया हुआ है, यहां से यहां 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 इस तरह से आपके पास दे दिया, तो वन एंड मेरे पास कहां पे आया, यहां पे, दूसरा एंड कहां पे आया, यहां पे। आप बोलोगे सर इन दोनों के बीच का जो मेरे पास डिस्टेंस निकल के आया, इस डिस्टेंस को हम क्या बताएंगे, लेंथ। लेकिन अब आपसे बोला गया क्या, अब लेंथ फाइंड करके दो, तो बोलोगे सर यहां तो किसी भी तरह का हमने जितने भी अप्लायंसेज है अपने पास, इंस्ट्रूमेंट है मेजर करने के लिए, उनमें से किसी इंस्ट्रूमेंट का यूज हम नहीं कर पाएंगे, क्योंकि ये तो कर्व पाथ है, पूरा का पूरा कर्व लाइन है, तो यहां ही क्या करता है, उस तरह के इंस्ट्रूमेंट का यूज करना क्या हो जाएगा, कर नहीं पाएंगे, क्योंकि रिस्ट्रिक्शन आ जाएगा। अगर आप यहां से यहां तक स्ट्रेट मेजर कर भी लिया, अब ये कर्व आ गया, कैसे मेजर करोगे? तो देखो इसको मेजर करने के लिए हम किसका यूज करेंगे, पहले थ्रेड का यूज करेंगे। तो हम एक थ्रेड ले लेंगे और उस थ्रेड के हेल्प से क्या करेंगे, हम क्या करेंगे, इस तरह के लेंथ को मेजर करेंगे। कैसे मेजर करेंगे, आप थ्रेड लो, थ्रेड ले लिए, एक एंड पे क्या करो, थ्रेड का एक एंड पहले हम यहां प्लेस करेंगे, और इसको अलोंग द डिस्टेंस, अलोंग द लेंथ, जैसे जैसे ये गया है, हम क्या करेंगे, केयरफुली यहां से क्या करें, प्लेस करते जा रहे हैं, प्लेस करते जा रहे हैं, ये इस तरह से हमने क्या किया, प्लेस करते चले गए थ्रेड को। अब थ्रेड तो हम मोड़ सकते हैं जितना मन चाहे, जिस तरह से मन चाहे मोड़ सकते हैं, और जब ये यहां से यहां तक हम थ्रेड को प्लेस करके टोटल डिस्टेंस हमने क्या किया, कवर्ड कर लिया। अब क्या करो, उस थ्रेड को आप जो ये जो इस तरह से थ्रेड मेरा जिगजैग पाथ में गया था, अब हम थ्रेड को क्या करेंगे, सीधा कर लेंगे, सीधा कर लिया थ्रेड को, सीधा करके हमने क्या किया, बैठा लिया। अब जो भी लेना आपको, मीटर रूलर लेना है, मीटर रॉड लेना है, जो भी लेना है उसको अलोंग द लेंथ बैठा लो, और जो पहला प्रोसेस बताया था किस तरह से मेजर करना है, उसी तरह से आप क्या करोगे, मेजर कर लोगे। अब देखो जरा सा, एक कर्व्ड ऑब्जेक्ट दे दिया, एक कर्व्ड ऑब्जेक्ट का मतलब क्या होता है, आपके पास एक डब्बा दे दिया, एक कैन दे दिया, कुछ भी दे दिया आपको, सपोज करो इस तरह से मेरे पास एक कर्व्ड ऑब्जेक्ट। अब तो कर्व्ड लाइन था तो कैसे करोगे, समझ में आ गया, कर्व्ड ऑब्जेक्ट। तो आप बोलोगे सर कर्व्ड ऑब्जेक्ट को भी हम लोग बिल्कुल वैसे ही करेंगे जैसे हमने कर्व्ड लाइन के लिए किया, बिल्कुल सेम करेंगे। हम थ्रेड लेंगे, थ्रेड को एकदम पूरा लपेटते हुए क्या करेंगे, यहां से यहां तक, एक एंड से दूसरे एंड तक पूरा क्या करेंगे, लपेट लेंगे। और इसके बाद फिर क्या करेंगे, फिर से वही स्ट्रेट कर लेंगे, इसको स्ट्रेट कर लेंगे, मीटर रूल लेंगे, और दोनों एंड के बीच का जो डिस्टेंस था मेरा क्या करेंगे, डिस्टेंस को मेजर कर लेंगे, और जो डिस्टेंस निकल के आएगा दैट विल बी आवर लेंथ। चलो देखो अब नेक्स्ट टॉपिक जो करना है, टू मेजर द डायमीटर ऑफ ए स्फीयर, क्या हो जाएगा, डायमीटर
ऑफ अ स्फेयर। तो स्फेयर का हमको क्या करना है, डायमीटर फाइंड करनी है। कैसे फाइंड करोगे, और भी किसके हेल्प से, विद द हेल्प ऑफ द क्या आ जाएगा, मीटर रूल। अब देखो मीटर रूलर के हिसाब से, मीटर स्केल के हिसाब से आपको क्या करना है, तो आप क्या करो, पहले दो वुडन ब्लॉक ले लो। दो वुडन ब्लॉक ले लिया हमने, पहला ले लिया हमने, और पहला लेने के बाद क्या किया हमने, जिस स्फेयर का हमको क्या करना था, डायमीटर फाइंड करना था, हमने क्या किया, यहां उसको प्लेस कर दिया, प्लेस किए। दूसरा वुडन को हमने क्या किया, फिर इसके जस्ट नेक्स्ट एकदम टच करते हुए क्या किया हमने, प्लेस कर दिया, स्ट्रेट लाइन में प्लेस करे हैं। और अब हमने क्या किया, यहां पे मीटर रूल को प्लेस कर दिया। ये जो था मेरा मीटर स्केल, जो था हमने मीटर स्केल को क्या करना है, प्लेस करना है। फिर से बता रहे हैं, पहले आपने क्या किया, वुडन ब्लॉक ले लिया, वुडन ब्लॉक के बाद आपने क्या किया, जो स्फेयर, जिस स्फेयर का हमको डायमीटर फाइंड करना था, स्फेयर, स्फेयर का हमको डायमीटर फाइंड करनी थी, हमने क्या किया, उसको प्लेस कर लिया। उसके बाद फिर दूसरा वुडन हमने ब्लॉक को क्या किया, फिर यहां से लाके दोनों को क्या किया, इस दो स्फेयर को क्या किया, इन दोनों के बीच में हमने क्या किया, एकदम टच करते हुए रख दिया। अब हम क्या किए, अपना मीटर स्केल ले लिए, अपना स्केल लेने के बाद हमने क्या किया, स्केल को अलोंग द लेंथ हमने क्या किया, प्लेस कर दिया। अब जो भी है, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 जो भी है। अब आपके पास देखो दो तरीका है। अब देखो यहां से लेकर यहां तक का मेरे पास क्या मेजरमेंट है, और यहां से लेकर यहां से लेकर यहां तक का मेजरमेंट सपोज करो मेरे पास 1 सेंटीमीटर का है। फिर यहां से लेकर यहां तक का मेजरमेंट मेरे पास सपोज करो 5 सेंटीमीटर का है। कितने का, 5 सेंटीमीटर का। तो इसका मतलब अब हमको ये जो फाइंड करनी है ये, तो इसका मतलब यहां से लेकर यहां तक इन दोनों का जब आप डिफरेंस फाइंड करोगे, तो ये डिफरेंस क्या निकल के आएगा, आपका डायमीटर ऑफ द स्फीयर। या उससे भी कन्वीनियंट तरीका क्या है, अब यहां से लेकर और यहां तक का जो रीडिंग होगा, आप इसी को फॉलो करना, यहां से लेकर यहां तक का जो रीडिंग होगा, जो डिस्टेंस निकल के आएगा, यही डिस्टेंस क्या होगा, विल बी द डायमीटर ऑफ द स्फीयर। तो ये स्फीयर का आप इस तरह से फाइंड कर लेंगे। अब आता है क्या, स्फीयर तो देखो बड़ा ऑब्जेक्ट था, अब आता आपके पास एकदम पतला सा ऑब्जेक्ट, दैट इज द वायर। अब आपसे बोला क्या, वायर आपको दे दिया है, तो आप सब बोलोगे सर वायर तो एकदम पतला है, आप स्क्रू गॉज का अगर यूज करें तो फिर वहां से क्या होगा, बात बहुत अच्छी तरह से बन जाएगा। लेकिन अगर इसको भी हमको क्या हो जाएगा, रूलर के हेल्प से फाइंड करना हो, तो फिर कैसे फाइंड करोगे। तो इसके लिए आप क्या करो, कुछ भी एक ऑब्जेक्ट ले लो, आप क्या किए, एक ऑब्जेक्ट ले लिया आपने, और इसके ऊपर क्या करना, आपने वायर को क्या करना, रैप करना स्टार्ट करना, इस तरह से लपेटना स्टार्ट कर दिया, कर दिए। अब पूरा का पूरा हमने क्या किया, ऑब्जेक्ट के ऊपर वायर को हमने 5 times, 10 times, 20 times, 100 times जितने बार मन करे आप क्या करना, लपेटते चले गए। अब नंबर ऑफ टर्न्स मेरा कितना है, इसको याद रखना। अब क्या करना हमको, कि यहां एकदम रूलर लेना है, स्केल लेना है, और स्केल से यहां से लेकर जहां से आपने रैप करना स्टार्ट किया था, और एट द एंड जहां तक आपने रैप किया था, उसका लेंथ हमको क्या करना है, मेजर कर लेना है। यहां तक हमने तो क्या क्या काम किए, पहले हमने एक ऑब्जेक्ट ले लिया, सपोज करो जैसे मेरे पास मार्कर, तो मार्कर हमने ले लिया, और इसके ऊपर हमने वायर क्या किया, लपेटते गए और रैप करते चले गए। रैप करने के बाद हमने क्या किया, कितना राउंड हमने रैप किया, सपोज करो हमने एक्स राउंड क्या किया, इसके ऊपर एक्स राउंड कर दिया हमने, रैप कर दिया, या 100 times हमने रैप किया, कुछ भी ले सकते हो, 100 ले लो, 100 times हमने क्या किया, रैप किया। अब रैप करने के बाद मेरा डिस्टेंस टोटल कितना आया, सपोज करो ये 1 सेंटीमीटर का मेरा डिस्टेंस निकल के आया। अब हमको क्या फाइंड करनी है, हमको फाइंड करनी है कि इस वायर का जो डायमीटर होगा वो डायमीटर कैसे निकालेंगे। तो डायमीटर इक्वल्स टू, अब सिंपल सा डायमीटर इक्वल्स टू क्या लिखोगे, आपके पास जो टोटल लेंथ, जो आपके पास जो था टोटल लेंथ कितने का, 1 सेंटीमीटर, और जो मेरे पास टोटल नंबर ऑफ टाइम्स जो आपने इसके ऊपर रैप किया था वो कितना आपके पास, 100 है। अब लेट किए इसको 100, अब ये जो वैल्यू निकल के आएगा, डिवाइड कर देना, ये जो वैल्यू निकल के आएगा, दैट विल बी क्या हो जाएगा, डायमीटर ऑफ द वायर। अब देखो जरा सा लेंथ मेजरमेंट में लास्ट टॉपिक अपने पास क्या, थिकनेस ऑफ ए क्या हो जाएगा, थिन ऑब्जेक्ट, एकदम पतला सा ऑब्जेक्ट है, ऐसा मान लो पेज है, क्वाइन हुआ, अगर इस तरह के ऑब्जेक्ट का अगर आपको थिकनेस फाइंड करने के दे, मतलब अल्टीमेटली आपको लेंथ फाइंड करने के लिए दे, तो आप क्या करोगे, आपसे अगर बोलता है क्या, एक पेज आपको दे दिया, पतला सा पेज, बुक का पेज, और इस पेज का अगर आपको थिकनेस फाइंड करने के लिए दे, तो इंडिविजुअल एक एक पेज का फाइंड कर पाओगे, आप बोलोगे नहीं सर इतना पतला है कि उसको फाइंड करना बहुत मुश्किल है, डिफिकल्ट है, और वो भी क्या हो जाएगा, मीटर मतलब रूलर के हेल्प से, ये तो और ज्यादा डिफिकल्ट हो जाएगा। तो फिर आप करोगे क्या, तो इसको मेजर करने के लिए आप सिंपल सा काम करते हो, जब भी देखो क्या क्या आ सकता है इसके अंदर,
क्वाइन आ सकता है, पेज आ सकता है, कुछ भी आ सकता है। अब आप इसका मेजर करने के लिए करोगे कैसे, तो आप एक सिंगल ऑब्जेक्ट का तो फाइंड नहीं कर सकते, लेकिन आप क्या करना फिर इसमें, आप इंडिविजुअल जैसे क्वाइन का अगर हमको फाइंड करना है तो हम क्या करेंगे, एक के ऊपर एक करते हुए क्या करेंगे, कम से कम 10 15 20 क्वाइन हम क्या करेंगे प्लेस कर देंगे। सपोज करो हमने कितने क्वाइन प्लेस किया, 10 क्वाइंस हमने प्लेस किया, प्लेस कर दिए। अब ये 10 क्वाइन का हमने क्या करना है, स्केल लेंगे और हमने क्या करना है लेंथ, ये मेरा जीरो मार्किंग 1 2 3 4। अब ये मेरे पास क्या हो गया, कहां तक, अब हमने क्या किया मार्किंग फाइंड कर लिया। प्रॉपरली समझना, आपने एक क्वाइन का फाइंड करने के लिए दिया आपको थिकनेस तो आप नहीं कर पाते हो, उसी तरह के आपने क्या करना है, सेम लेंथ सेम जो भी है सेम मैनर के आपने क्या करना, 8 10 15 20 25 जितना भी आपको लेना आप ले सकते हो, उतने क्वाइन को वन अबव अनदर आपने क्या किया पाइल्डअप कर लिया। पाइल्डअप करने के बाद आपने क्या किया, अब स्केल के हेल्प से इसका आपने क्या किया लेंथ फाइंड कर लिया। और सपोज करो यहाँ जो हमने देख रहे हैं कि लेंथ कितने का आया, 4 सेंटीमीटर का आया, और यहाँ नंबर ऑफ क्वाइंस मेरे पास कितने हैं, 10 है, तो इसका मतलब थिकनेस, थिकनेस जो मेरा निकलेगा एक क्वाइन का वो थिकनेस कितने का निकलेगा, जो मेरा टोटल लेंथ निकल के आया था उसको हम डिवाइड कर देंगे किसके, टोटल नंबर ऑफ क्वाइन से हमने क्या करना है डिवाइड कर देना है। तो ये डिवाइड करें कितना आएगा, 0.4 सेंटीमीटर। तो ये जो मेरा आया इट विल बी द क्या हो जाएगा, मिस थिकनेस ऑफ द क्वाइन। इसी तरह से अगर आपके पास पेज का फाइंड करना हो तो पेज को क्या करना, आप वन अबव अनदर क्या करना, पाइल अप करते चले जाना, 10 20 50 100। सपोज करो हमने क्या किया, यहां से 100 पेजेस हमने क्या किया, 100 पेजेस हमने क्या किया एक दूसरे को परख दिया, और यहाँ से हमने फिर क्या किया स्केल बैठाया, और स्केल बैठा के हमने लेंथ फाइंड किया। सपोज करो ये टोटल कितने का आया, 2 सेंटीमीटर का आया। अब आपसे बोलता है क्या एक पेज का मेरा थिकनेस कितने का आया, या सपोज करो ये कितने का आया, 1 सेंटीमीटर का, 2 सेंटीमीटर तो नहीं आएगा। अब सपोज करो ये 1 सेंटीमीटर का आया, तो बोलता है क्या 1 पेज का थिकनेस कैसा होगा, कितना होगा, तो 1 पेज का थिकनेस फिर वही तरीका जो टोटल लेंथ निकला था उस टोटल लेंथ को ले लेना, अब बाय टोटल नंबर ऑफ पेजेस जो था उस पेज को आप क्या करना नंबर से डिवाइड कर देना, जो वैल्यू आएगा दैट विल बी योर आंसर। तो ये इस तरह से आप क्या कर सकते हो लेंथ फाइंड कर सकते हो।